आवश्यक सूचना: YouTube चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोस्प्रिन नाम की मेडिसिन के बारे में। और गाइस साथ ही हम बात करेंगे इकोस्प्रिन मेडिसिन के अलग अलग डोजेस फॉर्म के बारे में, उन डोजेस फॉर्म के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में, उन कॉम्बिनेशन के अलग अलग स्ट्रेंथ के बारे में और उन स्ट्रेंथ के अलग अलग यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और गाइस साथ ही हम बात करेंगे कि एक ही नाम से इतनी सारी मेडिसिन क्यों बनाई जाती है या इनके बनाने का कारण क्या होता है, ये सारी ही बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इकोस्प्रिन टैबलेट को यूएसबी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म में एक ही मेडिसिन की अलग अलग स्ट्रेंथ में आने वाली इकोस्प्रिन टैबलेट को। गाइस, जिसमें सबसे पहली है इकोस्प्रिन 75 टैबलेट। गाइस, इसके अंदर है एस्पिरिन 75 mg। गाइस, अगर इसके यूजर्स की बात की जाए तो ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है जो कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को रोकने और ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। ये ब्लड वेसल्स के क्लॉट को बनने से रोकती है और इस टैबलेट को हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। गाइज, अगर इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो गाइज हार्ट बर्न, नौजिया और वॉमिटिंग जैसी समस्या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गाइज, इकोस्प्रिन के जो दूसरे स्ट्रेंथ हैं उन्हें हम देखते हैं। तो इकोस्प्रिन 150 टैबलेट आती है जिसके अंदर एस्पिरिन की मात्रा 150 mg होती है। बाकी इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स सेम ही होते हैं। गाइस, इसी के सिंगल मेडिसिन में अलग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें आती है इकोस्प्रिन 325 mg की टैबलेट। और गाइस, इसके अंदर जो एस्पिरिन की मात्रा है वो है 325 mg। बाकी इसके यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लगभग सेम ही हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं इकोस्प्रिन के नाम से आने वाली कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में। तो गाइस, जिसमें सबसे पहली है इकोस्प्रिन एवी 75 कैप्सूल। गाइस, यहाँ पर डोजेस फॉर्म अब चेंज हो चुका है, टैबलेट से अब हम कैप्सूल पे आ चुके हैं। तो गाइस, इसके अंदर जो मेडिसिन हैं वो दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें है एटोरवास्टेटिन 10 mg और एस्पिरिन 75 mg। तो गाइस, इसके यूजर्स हैं इकोस्प्रिन एवी 75 कैप्सूल दो मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहा जाता है उसे कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL कहा जाता है उसके लेवल को बढ़ाकर काम करता है और साथ ही ये ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को भी कम करती है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इकोस्प्रिन एवी 75 कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स को। तो गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस और इंसोम्निया। तो गाइस, इंसोम्निया एक ऐसी समस्या होती है जिसमें व्यक्ति को सोते समय काफ़ी तकलीफ होती है, नींद नहीं आती है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इकोस्प्रिन के बाकी कॉम्बिनेशंस के बारे में और उन कॉम्बिनेशन के अलग अलग स्ट्रेंथ को अब हम देखते हैं, जिसमें दूसरा हमारा स्ट्रेंथ है इकोस्प्रिन एवी 75/20 कैप्सूल। गाइस, इसमें एटोरवास्टेटिन की मात्रा 20 mg है और एस्पिरिन की मात्रा 75 mg है। बाकी इसके यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स इकोस्प्रिन एवी 75 की तरह ही सेम है। गाइस, इसी का जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ है वो है इकोस्प्रिन एवी 75/40 कैप्सूल। गाइस, इसमें एटोरवास्टेटिन की मात्रा 40 mg हो गई है और एस्पिरिन की मात्रा वही 75 mg सेम है। बाकी इसके यूजेज और साइड इफ़ेक्ट्स भी इकोस्प्रिन एवी 75 की तरह ही सेम है। गाइस, अब हम देखते हैं इसी के नेक्स्ट स्ट्रेंथ को जो कि है इकोस्प्रिन एवी 150 कैप्सूल। अब गाइस, यहाँ पर एटोरवास्टेटिन की मात्रा तो 10 mg ही है पर एस्पिरिन की मात्रा इसमें 150 mg हो गई है। बाकी इसके भी यूजेज और साइड इफ़ेक्ट्स इकोस्प्रिन एवी 75 की तरह ही सेम है। और वहीं अगर इसी की नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसमें है इकोस्प्रिन एवी 150/20 कैप्सूल। गाइस, इसमें एटोरवास्टेटिन की मात्रा 20 mg हो गई है और एस्पिरिन की मात्रा वही 150 mg है। तो गाइस, इसी प्रकार से अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को जो कि है इकोस्प्रिन गोल्ड 10 कैप्सूल। अब गाइस, इसमें अगर हम इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसमें एस्पिरिन की जो मात्रा है वो है 75 mg, एटोरवास्टेटिन की मात्रा है 10 mg
और इसमें अब नई मेडिसिन ऐड हो गई है, वो है क्लोपिडोग्रल। इसकी मात्रा है 75 mg। गाइस इसके यूजर्स की बात की जाए तो इसके यूजर्स हैं इकोस्प्रिन गोल्ड 10 कैप्सूल, हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है। ये तीन मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉट के फॉर्मेशन को रोककर काम करता है, और साथ ही ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करने में मदद करती है। गाइस इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, नोज ब्लीड्स और डायरिया जैसी समस्या के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गाइस इसी की अगर नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसमें आती है इकोस्प्रिन गोल्ड 20 कैप्सूल, जिसमें एस्पिरिन हो जाता है 75 mg, एटोरवास्टेटिन हो जाता है 20 mg और क्लोपिडोग्रल हो जाता है 75 mg। इसी की नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसमें आता है इकोस्प्रिन गोल्ड 40 कैप्सूल। गाइस इसमें एस्पिरिन तो भाई 75 mg है, एटोरवास्टेटिन की जो मात्रा है वो 40 mg हो जाती है और क्लोपिडोग्रल भी वही 75 mg होता है। गाइस इसमें अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें आता है फोर्थ नंबर पर इकोस्प्रिन गोल्ड 10 फोर्थ कैप्सूल। अब यहाँ पर गोल्ड में भी फोर्थ आ रहा है। तो गाइस इसमें अगर हम मात्राओं की बात करें तो इसमें एस्पिरिन है 150 mg, एटोरवास्टेटिन है 10 mg और क्लोपिडोग्रल है 75 mg। गाइस अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसमें इकोस्प्रिन गोल्ड 10 फोर्थ कैप्सूल हार्ट अटैक की समस्याओं को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है और साथ ही बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में भी मदद करती है। गाइस अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये भी एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, नोज ब्लीड्स और डायरिया जैसे सभी साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि एक ही मेडिसिन को इतने नाम से क्यों बनाया जाता है या इनके बनाने का क्या कारण होता है। तो गाइस इनके बनाने का एक सीधा सा कारण होता है कि गाइस हर पेशेंट की कंडीशन और उनकी समस्या अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती है। और कभी किसी पेशेंट की समस्या बहुत गंभीर होती है या किसी पेशेंट को बहुत ही कम समस्या होती है, तो इसीलिए इतनी सारी मेडिसिन को अलग अलग स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है जिससे हर पेशेंट को कम से कम मेडिसिन का डोज देकर ही ठीक किया जा सके। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात की इकोस्प्रिन नाम की मेडिसिन के बारे में, साथ ही जाने उसके सभी डोजेस फॉर्म, उसके कॉम्बिनेशन और उन कॉम्बिनेशन की अलग अलग स्ट्रेंथ के बारे में इस वीडियो में हमने बात की, और साथ ही जाना कि एक ही नाम से इतनी सारी मेडिसिन क्यों बनाई जाती है। गाइस अगर आप इसी से रिलेटेड कोई और मेडिसिन की भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मुझे अभी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए। तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।